Hello everyone, welcome to our channel Ayurvedic Herbs. बदलती जीवन शैली और खान पान में हुई गलतियों के कारण शरीर में खून का लेवल कम हो जाता है, जिससे शरीर की काम करने की क्षमता भी कई हद तक कम होने लगती है। शरीर में आई ज्यादा खून की कमी से आप एनीमिया के रोगी भी बन सकते हैं, जिससे आपके शरीर को बहुत सी बीमारियां भी हो सकती हैं। लेकिन इससे बचने के बहुत से नेचुरल उपाय हैं, पर उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि ये रोग होता कैसे है और इसके क्या लक्षण होते हैं, जिससे आप इसको पहचान कर इसे रोक सकते हैं। एनीमिया का मतलब है शरीर में आई खून की कमी। हमारे शरीर में हेमोग्लोबिन एक ऐसा तत्व है जो शरीर में खून की मात्रा को बताता है, जिसकी मात्रा पुरुषों में 12-16% तक और महिलाओं में 11-14% तक होनी चाहिए। हमारे शरीर में दो तरह की सेल्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स। जब रेड ब्लड सेल्स यानी कि RBCs का लेवल शरीर में कम होने लगता है, तो शरीर में हेमोग्लोबिन की मात्रा भी कम होने लगती है, जो खून की कमी कहलाती है और आपको एनीमिया का रोगी बना देती है, जिसके चलते आपको दिन भर की थकान, स्किन का फीका पड़ जाना, कमजोरी होना, सांस फूलना, बेहोश होना जैसे और भी कई तरह के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। लेकिन अब आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे उपाय हैं जिसे अपनाकर आप शरीर में खून की मात्रा को बढ़ा सकते हैं और इस समस्या से खुद को बचाए रख सकते हैं। शरीर में आई खून की कमी कई बीमारियों की जड़ होती है, और इस जड़ को खत्म करने के लिए आप संतुलित आहार का सेवन कर सकते हैं, जिसमें आप ग्रीन वेजिटेबल का इस्तेमाल करके खून की कमी को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि हरी सब्जियों में काफी पोषक तत्व पाए जाते हैं। चुकंदर, जो आयरन का सबसे अच्छा साधन माना जाता है, और इसका सेवन आप चाहें तो जूस के रूप में भी कर सकते हैं या आप सैलेड के रूप में भी कर सकते हैं, जिससे आप अपने खून में हेमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया को खत्म करने के लिए आप फलों को अपने दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं, जैसे कि एप्पल, ऑरेंज, अनार जैसे फलों का सेवन करना बहुत ही फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि इनमें आयरन की मात्रा काफी ज्यादा पाई जाती है। ड्राई फ्रूट्स, अगर बात मेवों की हो तो ये हमारे लिए हर तरह से फायदा करते हैं, इसलिए आप सूखे मेवों का इस्तेमाल अपने खून को बढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं, जिससे एनीमिया की समस्या तो खत्म होगी ही, साथ ही आप अपनी सेहत का भी ख्याल रख पाएंगे। रात भर भीगे काले चनों को सुबह गुड़ के साथ खाने से भी आपके शरीर में खून का स्तर बढ़ने लगता है। इसके अलावा आप अपनी डाइट को ऐसा बनाइए जिससे आपको हर तरह के फाइबर्स, विटामिन्स और मिनरल्स मिले, क्योंकि ऐसी ही डाइट आपको हर खतरे से बचा सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।